الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته قيل وما هن يا رسول الله قال من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث ہے جو مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے. سندیں اگرچہ تمام روایتوں کی کمزور ہیں لیکن ان کا مجموعہ درست ہے اور متعدد صحابہ کرام سے اور متعدد سندوں سے مروی ہونے کی بنا پر یہ حدیث قابل اعتماد ہے. اس میں مذکور ہے کہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں پائی جائیں گی, تین صفات ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں اس میں جمع ہو جائیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی گود میں پناہ دیں گے, اپنی گود میں پناہ دیں گے, اپنے پہلو میں پناہ دیں گے, گود میں پناہ دیں گے, دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے. رحمت کا پردہ ڈالنے کا معنی یہ کہ اگر کوئی غلطی گناہ وغیرہ بھی اس سے سرزد ہو جائے نادانی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے, اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے اپنی رحمت کا. وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِ اور اس کو اپنے محبت میں داخل فرما لیں گے, یعنی ان لوگوں میں داخل فرما لیں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ تینوں باتیں کتنی عظیم ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو اپنے پہلو میں لے لینا یا گود میں لے لینا, یہ کتنی عظیم بات ہے. اور پھر گود میں لے لینا ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا گود میں ٹھکانہ دے دیں, یعنی ہمیشہ ہمیشہ
वो अल्लाह तबारक व तआला की गोद में रहेगा। कोई बाप अपने बेटे को गोद में लेता है तो किस मोहब्बत से लेता है, किस प्यार से लेता है, उसको कोई आंच नहीं आने देता। तो अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला अपनी गोद में ले ले तो इसके माना यह कि उस पर कोई आंच नहीं आने देना। इतनी बड़ी बात है। और रहमत का पर्दा डाल देंगे, रहमत का पर्दा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का पर्दा इंसान के ऊपर पड़ा हुआ हो तो अव्वल तो उससे गुनाह सरजद ही नहीं होंगे, और अगर कभी नादानी से गफलत से कोई हो भी गया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ है कि उसकी इंशाअल्लाह माफी की अल्लाह ताला से उम्मीद है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि उसको अपनी मोहब्बत में दाखिल फरमा लेंगे, यानी उसको अपना महबूब बना लेंगे। इतनी बड़ी बातें फरमा दी सरकार द्वारा। ये बातें किसको हासिल होंगी, जिसमें तीन चीजें पाई जाए। फरमाया सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो तीन बातें क्या हैं जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी मोहब्बत, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा इकराम किसी बंदे को होता है। तो फरमाया कि वो तीन बातें ये हैं कि मन इजा, पहली बात मन इजा उती शकर, कि जो शख्स ऐसा हो कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको कोई नेमत दी जाए तो वो शुक्र अदा करे। जब भी कोई नेमत अता हो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो वो बंदा उस नेमत का एहसास करे, एतराफ करे और अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में उसका शुक्र अदा करे कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने ये नेमत मुझे अता फरमाई। मन कोएगा वो अपनी अच्छा करे। वह इजा कदारा गफर, और जब किसी दूसरे शख्स से इंतकाम लेने पर उसको कुदरत मिल जाए। एक शख्स है जिसने उसको तकलीफ पहुंचाई थी, सदमा पहुंचाया था, एक मौका ऐसा आया कि जब वो उस तकलीफ और सदमे का उससे बदला ले सकता था, इंतकाम ले सकता था, उसको पूरी कुदरत हासिल कि उससे इंतकाम ले ले, उसको कोई तकलीफ पहुंचा दे उससे बदला ले ले। लेकिन ऐसी हालत में जो माफ कर दे कि बस भाई मैं इंतकाम नहीं लेता, अल्लाह के लिए तुम्हें माफ करता हूं। दूसरी सिफत यह कि माफ करने का आदि हो बावजूद है कि उसको दूसरों ने तकलीफें पहुंचाई थी, रंज पहुंचाया था, लेकिन जब इंतकाम लेने पर उसको कुदरत मिली तो वो माफ कर गया कि मैं अल्लाह के लिए माफ कर गया। मन इजा व इजा कदरा गफर व इजा गजीब खतर। और तीसरी बात, तीसरी सिफत यह कि जब उसको गुस्सा आए, इश्तआल पैदा हो, जोश आ रहा हो गुस्से का, तो उस गुस्से के ऊपर अमल करने के बजाय वो अपने आप को धीमा कर ले, यानी उस गुस्से के तकाजे पर अमल न करे। दिल तो चाह रहा था गुस्से के आलम में कि इस शख्स को बुरा भला कहूं, डांटूं डपटूं या मारपीट करूं या इसका मुंह नोच लूं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को याद करके, अल्लाह ताला के गुस्से को याद करके ये धीमा पड़ गया और उसने अपने गुस्से को पी लिया और गुस्से के तकाजे पर अमल नहीं किया, कोई बात ऐसी न कही
जो नामुनासिब होती, कोई काम ऐसा नहीं किया जो नामुनासिब होता, खामोश हो गया, धीमा पड़ गया। फरमाया इसमें ये तीन बातें पैदा हो जाएंगी, अल्लाह ताला उसको अपनी गोद में ले लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको बस में रहमत का पर्दा डाल देंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने महबूब बना लेंगे। ये हैं वो तीन बातें जिसके लिए नबी करीम सरवर-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। और इसी हदीस की बाज़ रिवायतों में अल्फाज यूं हैं कि मन इब्तुलिया फसबर व उतिया फशकर व ज़ुलिमा फगफर व ज़लमा फस्तग़फर। और कमा कर उसमें चार बातें फर्क, यानी एक रिवायत में तीन बातें हैं, दूसरी रिवायत में चार बातें फरमाई। कि पहली तो यह कि मन इब्तुलिया फसबर, कि अगर किसी के ऊपर कोई बला मुसीबत, कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी लायक हो जाए, तो वो सब्र से काम ले। वह औरतें या पैसा कर, और जब उसको कोई नेमत अता हो तो उस पर शुक्र अदा करे। वह जुलिमा फगफर, और जब कोई दूसरा उस पर जुल्म करे तो वो माफ कर दे। मजलूम बनकर, मजलूम है और मजलूम होने की वजह से इंतकाम भी ले सकता है, लेकिन मजलूम होने के बाद, दूसरे का जुल्म सहने के बाद माफ कर दे, चलो भी मैंने माफ कर दे। वह गलम फस्तगफर, और अगर उसने कोई दूसरे पर जुल्म किया हो या अपनी जान पर जुल्म किया हो, अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी की हो, तो फौरन इस्तगफार करे, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, इस्तगफार करने का आदी है। तो आप देखिए कि ये सिफात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है वो कितनी अजीम सिफात है और उस पर कितनी बड़ी फजीलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अल्लाह ताला का महबूब बनने का, अल्लाह ताला की गोद में आ जाने का, अल्लाह ताला की रहमत का अपने ऊपर पर्दा डाल लेने का, ये बेहतरीन रास्ता है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान फरमाई गई। इनमें सबसे पहले जो बात इस हदीस में फरमाई गई है वो है शुक्र, मन उतिया फशकर, कि जब कोई नेमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिले तो शुक्र करने का आदी बने बंदा। ये बड़ी अजीम सिफत है और ये अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने का, वसूल इल्लाह का, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक को मजबूत करने का इंतहाई आसान, मुख्तसर और इंतहाई मुअस्सर रास्ता है कि बंदा शुक्रगुजार बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की आदत डाले, सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते, उसके जबान पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु लकल शुक्र कुल्लु, ये अल्फाज इंसान अपना तकिया कलाम बना ले कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये ऐसी चीज है, ऐसी अजीम चीज है कि ऐसा अजीम नुस्खा है कि इसके करने में कोई वक्त नहीं लगती, मेहनत नहीं लगती, रुपया नहीं लगता, खर्चा नहीं होता, लेकिन एक मर्तबा का शुक्र अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब सच्चे दिल के साथ कर लिया जाए तो वो शुक्र इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से करीब करता जाता है, करीब करता जाता है, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला के बिल्कुल बंदा करीब पहुंच जाता है। इसीलिए हमारे
मशायख हमारे हजरत आरिफ़ क़द्दस अल्लाह ताला सिर्रहु की दिन रात की तालीम ये थी कि शुक्र की कसरत करो, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करो, चलते फिरते उठते बैठते गौर किया करो। सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या नेमतें अता फरमाई हुई हैं, उनका तसव्वुर कर करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करो। जबान तुम्हारी अल्लाह ताला के शुक्र से तर रहे। देखो कि अगर इंसान अपने वजूद पर गौर करे, सर से लेकर पांव तक जो आज़ा अल्लाह तबारक व तआला का फरमा रखे हैं, सलामती के साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर एक अजीम नेमत है, उस पर शुक्र अदा करो। और हमारे हजरत वाला कद्दस अल्लाह ताला से कहो फरमाया करते थे कि कोई लम्हा इंसान की जिंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की नेमत उसको मैसर ना आ रही है। हम ध्यान नहीं करते, ना शुक्र के आदि बन गए हैं, इस वास्ते नेमतों की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन ध्यान दो, तवज्जो करो कि ये नेमत मुझे अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से हासिल हुई है। खाना सामने आया, अच्छा लगा तो शुक्र है, अल्लाहुम्म लकल हम्द व लकल शुक्र। हदीस में आता है कि जब खाना सामने आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने ये खाना मुझे अता फरमाया, मेरी किसी ताकत के बगैर, मेरी किसी कुव्वत के बगैर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दिया। अब देखो खाना हमारे सामने भी आता है, लेकिन क्या कभी तसव्वुर आता है कि ये अल्लाह ताला की नेमत है, लिहाजा इसका पहले शुक्र अदा करूं फिर खाऊं। बाद में तो बाद लोगों को अल्लाह ताला के फल से तौफीक हो जाती है, अल्लाहुम अल्लाहुम अल्हम्दुलिल्लाह व सकाना व जालना मुस्लिमीन, ये पढ़ने की जिनको आदत है वो पढ़ जाती है। लेकिन जब आया सामने, भूख लगी हुई थी और उस हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने खाना अता फरमा दिया, कभी इस नेमत का ध्यान गया, उसके ऊपर शुक्र की तौफीक हुई नहीं हुई, तो इसका माना यह कि शुक्र करने की आदत नहीं पड़ी हुई। जब आदत पड़ जाती है तो जो चीज सामने आती है, जो नेमत आती है, इज़ा उतिया शुक्र, जब भी कोई नेमत आता हो फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ध्यान जाए कि अल्लाह इसे तेरे आता है अपने फज़्ल करम से जिन्हें आपने अता फरमाई, लिहाजा मुझे मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। घर में दाखिल हुए, सबको आफियत से पाया, अल्लाहुम्म लकल हम्द व लकल, कभी ध्यान दिया कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब घर में दाखिल हो रहा हूं तो सब लोगों को खुशखुर्रम पा रहा हूं, सेहतमंद पा रहा हूं, खुदा ना करे इनमें से कोई बीमार होता, किसी को कोई तकलीफ होती, किसी को कोई परेशानी लायक होती तो मेरा घर में दाखिल होना जो है अजाब बन जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दिया तो शुक्र अदा करो, ए अल्लाह तेरा शुक्र, ए अल्लाह आपने फज़्ल व करम से आपने मुझे घर वालों के साथ सलामती और हाफिज़ अता फरमाई है, अदा करो शुक्र। घर में रात को सोने के लिए लेटे, बिस्तर अच्छा लग रहा है तो अदा करो शुक्र। हमारे हजरत वाला कद्दस अल्लाह ताला से नूर फरमाया करते थे अल्लाह के कभी कभी इस तरह तसव्वुर किया करो, जब बिस्तर पर गए, आरामदेह बिस्तर है, तो ऐसे ही फर्जी तौर पर तसव्वुर करो कि अगर तुम किसी गाड़ी में सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और जंगल में गाड़ी जा रही है, जंगल में गाड़ी जा रही है, जाते जाते रास्ते में अंधेरा है, रात का वक्त है, बारिश हो रही है, अचानक गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब होकर रुक गई, अब न तो गाड़ी चल सकती है कि मंजिल तक पहुंच जाए, ना आसपास कोई बस्ती है जहां पर पना हो, बारिश हो रही है, अंधेरा है, रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, इस हालत में गाड़ी खराब हो गई और आदमी या अल्लाह ये क्या किस मुश्किल में फंस गया कि न मंजिल तक जा सकता हूं, न गाड़ी ठीक है कि उसको सवारी होकर सवार होकर जा सकूं, न कोई आसपास बस्ती है जहां पना ले सकूं,
न कोई बिस्तर है, न कोई रोसोने की जगह है, न कोई आराम की जगह है। इस हालत में बेकसी और बेबसी का आलम, उस वक्त में क्या करोगे? अल्लाह तबारक व तआला को पकड़ो, या अल्लाह इस मुश्किल से नजात दे दे, मेरा हवस से कोई रास्ता निकाल कि मुझे आराम मिले। उस बेबसी और बेकसी के आलम में अचानक एक गाड़ी आ जाती है, वो पूछती है भाई क्या हुआ, और कहते तुम फिक्र न करो, और मैं गाड़ी में बिठाता हूं। वो गाड़ी में बिठा के तुम्हें इस बिस्तर तक ले आया जहां आज तुम लेटे हुए हो। तो उस वक्त इस बिस्तर की कैसी कदर होगी, कैसा उसको समझोगे कि क्या किस मुसीबत से निकलकर मैं कहां पहुंच गया। तो भाई इम्कान तो इसका भी था कि तुम इस बेकसी और बेबसी के आलम में रात गुजार रहे होते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल और करम से यादा फरमाया, तो कहो कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने यह आरामदेह बिस्तर मुझे अता फरमा दिया। फकम मिम्मन ला काफी लहू गुलाम, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तकलीफ ले जाते थे तो ये पढ़ते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतअमना व सकाना व कफाना व आवाना, फकम मिम्मन ला काफी लहू वला फूल, शुक्र है अल्लाह का, यानी बिस्तर पर जा रहे हैं उस पर फरमा रहे हैं शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें खिलाया, हमें पिलाया और हमें हमारे मतलब के मुताबिक जरूरियात हमारी मुहैया फरमाई और हमें ठिकाना दिया, यानी बिस्तर हमारा ठिकाना। फकम मिन अल्लाह काफी लहू वला फूवी, कितने लोग हैं जिनकी जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही और जिनका कोई ठिकाने देने वाला भी नहीं। तो अल्लाह या अल्लाह आपका शुक्र है कि ये मुझे आपने ये ठिकाना अता फरमा दिया। सरकार तो आलम तो आसन हर चीज सिखा गए कि बिस्तर पर जा रहे हो तो ये पढ़ो, ये कहो अल्लाह तबारक व तआला तो कम में मल्ला काफी अल्लाह होगी, तसव्वुर करो उन लोगों का जिनका कोई ठिकाना नहीं, जो सड़क पर पड़ के सो जाते हैं, उनका तसव्वुर करो। अल्लाह ने हमें उनमें से नहीं बनाया, ये चीज हमें अता फरमा दी, तो उस पर शुक्र अदा करने का। असल बात सारी ये है कि हम हर वक्त और हर आन अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की बारिश में हैं, नेमतें लगाए कि बारिश की तरह बरस रही है, लेकिन ध्यान नहीं जाता, ख्याल नहीं आता कि ये क्या नेमत मुझे हमें मिल रही है, उसकी वजह से शुक्र अदा करने से महरूम रहते हैं। बुजुर्गों की सोहबत का नतीजा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ध्यान अदा फरमा देते हैं। बुजुर्गों का की सोहबत से फायदा ये होता है कि वो इंसान की सोच का रुख मोड़ देते हैं। अब देखो हदीस में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर से निकले और घर में कुछ खाने को नहीं था और भूख भी थी सरकार द्वारा, तो आपका ख्याल हुआ कि एक बेतकल्लुफ अंसारी साहबी हैं, वहां कहीं गुजर करीब उनका बाग था, आप उस बाग में उन अंसारी साहबी के पास बाग के अंदर तहसीब ले गए। अब साहबी का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, अचानक आप बाग में तशरीफ ले आए, वो तो खुशी से दीवाने हो गए, सरकार तो आलम तरसन मेरे बाग में तशरीफ लाए। गर्मी का मौसम था तो उन साहबी ने अपने बाग के एक दरख्त के नीचे सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का इंतजाम किया। ठंडा पानी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरहूब था, ठंडा पानी लाकर दिया और अपने बाग से खजूरें तोड़कर वो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की, आपकी मेहमानी के तौर मेजबानी के तौर पर। तो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी पिया, खजूरें
तनावल फरमाई, पानी पिया और साय में थोड़ी देर बैठे। बस जब ये अब ये कोई ये नहीं कि वो लंबा चौड़ा दस्तरखान बिछा, कोई बहुत शानदार किस्म की दावत हुई, कोई बहुत आला दर्जे के खाने बनाए गए और सुने गए और सरकार की खिदमत पेश किए गए, जो वक्त में हाजिर था तो वो खजूरें ला के रख दी गई, पानी दे दिया गया और साय में थोड़ी देर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये कर चुके तो आपने फौरन उन साहबी से इरशाद फरमाया कि देखो ये साया इस गर्मी के अंदर कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला, ये पानी इस प्यास के आलम में कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला, और ये खाना ये जो खजूरें तुमने लाकर दी ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तआला की। कुरान करीम में फरमाया वलतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कुरान करीम में जो फरमाया है कि उस दिन क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा इन नेमतों के बारे में कि हमने जो तुम्हें नेमतें दी थी उनका तुमने क्या हक अदा किया। तो सरकार जो आलम ने फरमाया कि ये जो साया है और ये पानी और ये खजूरें ये भी उस नेमत में दाखिल है जिसके बारे में आखिरत में हमसे सवाल होगा, तो भूल न जाना इस बात को कि अल्लाह ताला की नेमत है, इससे भी इसके बारे में भी सवाल होगा कि इसका क्या हक अदा किया। अब अंदाजा कीजिए कि भूख है, गर्मी है और खाने को कोई बाकायदा पूरा खाना नहीं है, थोड़ी सी खजूरें सामने आई है तो उस वक्त भी आपने रुख मोड़ दिया साहबी का कि ये ना समझना कि ये कोई ऐसी मामूली सी चीज है जिसको नजरअंदाज करके गुजर जाए, जिसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा न करें, ये भी ऐसी चीज है कि इसके ऊपर शुक्र अदा करना जरूरी है और क़यामत के दिन सवाल होगा कि हमने तुम्हें नेमत दी थी तुमने क्या हक अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में शिकायत फरमाते हैं बंदों की, शिकायत फरमाई कि अमलु आल दाऊद शुक्रा व कलील मिन इबादी अश्शकूर, कि ऐ दाऊद के घर वालों शुक्र अदा किया करो, शुक्र का अमल करो, शुक्र का अमल करो। तुम ये नहीं फरमाया कि शुक्र करो, बल्कि फरमाया शुक्र का अमल करो, यानी शुक्र को अपनी जिंदगी का वजीफा बनाओ। क्यों? वकलील मिन इबादी अश्शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम है, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम है। अल्लाह ताला शिकायत फरमा रहे हैं बंदों को, तो इसलिए फरमा रहे हैं कि एक नेमतों में तो निहाल कर रखा है अल्लाह तबारक व तआला, हर आन हर लम्हे नेमतें ही नेमतें इंसान के ऊपर मबजूल हैं, लेकिन ध्यान नहीं करता बंदा, बोलता ये मेरा पास, ये तो मेरा हक था। हाँ, जर्रा बराबर कोई तकलीफ पहुंच जाए, जर्रा बराबर कोई नेमत छिन जाए तो बावेला करने को तैयार है कि हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, लेकिन जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हुई हैं उनका शुक्र अदा करने की तरफ दिल मुतवज्जेह नहीं होता। तो बुजुर्गों की सोहबत के नतीजे में यह होता है कि वो रुख फेर लेते हैं, जरा करके देखने की चीज है कि हर लम्हे कोई ना कोई नेमत अल्लाह की अता हो रही है, उस पर शुक्र अदा करने की रट लगाए आदमी हमारे हजरत फरमा देते हैं, हर वक्त रट लगाए रखे अल्लाह ताला के, तो फिर देखो कितना अल्लाह ताला से कुर्ब बढ़ता है, कितना अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। ये ऐसी चीज है जो शैतान को भी दूर रखती है, शैतान के हमलों से महफूज रखती है। इस जो शुक्रगुजार बंदा होगा, अल्लाह ताला का शुक्र करने वाला होगा, तो शैतान उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता, इस वास्ते तकब्बुर उसमें नहीं आएगा, कभी शुक्र करने वाले पर तकब्बुर नहीं आएगा। इसलिए कि शुक्र के तो माने ये होते हैं कि भाई मैं इस बात का मुस्तहिक तो नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल और करम से मुझे अता फरमा दिया। तो जब पहले कदम पर एतराफ कर रहा है कि मैं मुस्तहिक नहीं था, तो तकब्बुर की जो जड़ काटती है। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान को जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से निकाल रहे थे तो उसने बड़े
जोर शोर से कहा था कि इन आदम के वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया, तो मैं भी फिर कसम खा के कहता है कि मैं भी इनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, यानी हर तरफ से इनके ऊपर हमला करूंगा। फिर क्या कहता है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि मेरे हमलों का नतीजा यह होगा कि इनमें से अक्सर लोगों को आप शुक्रगुजार नहीं पाएंगे, शुक्रगुजार नहीं पाएंगे और नाशुक्री में मुबतला पाएंगे। इससे मालूम हुआ कि शैतान का सबसे बड़ा हमला यह होता है कि इंसान को नाशुक्री में मुबतला कर दे, नाशुक्री में मुबतला कर दे और शुक्र से दूर कर दे। और शैतान के शर से महफूज रहने का मौसर जरिया यह है कि आदमी शुक्रगुजार बन जाए, हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की आदत हो। और फिर देखो शुक्र जो है वो अल्लाह ताला ने इतना आसान किया है कि जबान से कहने की भी, जबान से कह तो अच्छा है लेकिन अगर जबान से भी नहीं कह पा रहा किसी वजह से, दिल ही दिल में कह ले अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है, दिल दिल में कह ले। बल्कि एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दिल में आदमी यही सोच ले, बस इतना सोच ले कि ये खुशी, ये राहत, ये नेमत जो मुझे मिल रही है ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है, इतना सोच लेने से भी वो बंदा शुक्र गुजारों में लिख लिया जाता है, उसके ऊपर भी शुक्र का सवाब मिलता है। तो इतना अल्लाह ताला ने उसको आसान भी कर दिया। और लंबी चौड़ी इबादतें हैं, उनके अंदर कुछ वक्त लगता है, मेहनत लगती है, बाद में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन ये ऐसी इबादत है कि न वक्त न मेहनत, यहां तक कि जबान से भी, जबान की हरकत भी जरूरी नहीं, दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर ले, दिल ही दिल में अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेदार कर ले और ये सोच ले कि जो ये नेमत मिली है मुझे अल्लाह ताला की अता है, तो भी शुक्र अदा, शुक्र का ही शोभा वो भी अदा हो जाता है। हदीस में बाकायदा इसकी तसरी फरमाई है। तो इस वास्ते भाई इसकी आदत डालने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको इसकी तौफीक अदा फरमाए। बस रट लगाते रहो, और ये बात पहले भी बार बार अर्ज करता रहा हूं, आइंदे भी इंशाल्लाह कहता रहूंगा, ताकि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे। जो बात बार बार सुनी कही जाती है, हमारे हजरत वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हर मजलिस में इस पर जोर दिया करते थे, और उसका नतीजा ये कि जितनी मरतबा कही जाएगी, जितनी मरतबा कही जाएगी, तो फिर किसी न किसी वक्त अल्लाह ताला अमल पर भी आमादा फरमा देंगे। तो इस वास्ते ये इसका तकरार ही करने की जरूरत है। और दो नुस्खे हदीस में ऐसे बयान फरमाए गए हैं, अल्लाह के अगर अल्लाह ताला उसी पर अमल की तौफीक दे दे तो बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों में दाखिल फरमा ले। वो एक हदीस यह है कि सुबह के वक्त जब नमाज फजर पड़ी मसलन, तो सुबह के वक्त आदमी एक कलिमा ये कहे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلق منك او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما اصبح بي من نعمه منك او من احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر। ये एक दुआ है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाई। अच्छा, तो यही है कि इन्हीं अल्फाज में याद कर ली जाए, दुआओं की किताब में भी लिखी हुई है, लेकिन अगर जब तक वो याद ना हो तो उसका उर्दू में कहें तर्जमा यह है इसका कि या अल्लाह आज के दिन में मुझे जितनी नेमतें हासिल होंगी, सुबह को कह रहे हैं कि आज के दिन में मुझे जितनी भी नेमतें हासिल होंगी, चाहे आपसे बराह रास्त मिली हो या आपके
किसी मखलूक के जरिए मुझे हासिल हुई है, क्योंकि बहुत सी नेमतें क्या जो अल्लाह ताला बरहाल देते हैं, जैसे सेहत है, तंदुरुस्ती है, आंखों की बिनाई है, कानों की समाअत है, ये तो अल्लाह ताला की बरहाल आता है। और बात ऐसी है जिनको देने के लिए अल्लाह ताला किसी को वास्ता बना देते हैं। किसी ने मसलन कोई पैसे दे दिए, तनख्वाह मिल गई, तो किसी मखलूक के जरिए मिली है, तो अल्लाह कितनी भी नेमतें आज सारे दिन में मुझे हासिल होंगी, चाहे वो आपने बराह रास्त मुझे अता फरमाई हो या अपनी मखलूक में से किसी मखलूक के जरिए मुझे दी हो, वो फमिन का वादा कला चली गला, तो वो तरह आप ही की तरफ से है। मैं इस बात का एतराफ करता हूं, इस बात का ऐलान और इकरार करता हूं कि जो नेमत भी मिलेगी किसी भी किस्म की, बराह रास्त आपसे मिले या किसी वास्ते से मिले, हर हालत में वो सिर्फ आपकी अता है। फमिन का वादा ला शरीक लक, आपका कोई शरीक नहीं है उस नेमत के देने में, और किसी भी चीज में, किसी भी सिफत में, लेकिन उस नेमत के देने में कोई शरीक नहीं। ना हम अगर बाप मुझे कोई चीज दे रहा है, मैं औलाद होने की हैसियत से, वो भी दर हकीकत आप ही की आता है कि आपने उसके दिल में मोहब्बत डाल दी जिस चीज से दे रहा है। अगर कोई मेरा दोस्त मुझे कोई फायदा पहुंचा रहा है, तो वो भी दर हकीकत आप ही की आता है कि आपने उसको इस काम पर लगा दिया। समिन का वादा कला चली कला, जो भी मिलेगी वो आप ही की तरफ से होगी, आपका कोई शरीक नहीं। फलक अलहमदुलिल्लाह का शुक्र तो अल्लाह आप ही की तारीफ है, आप ही का शुक्र। ये फरमाया हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स सुबह को ये कह ले कम अज कम, तो उस दिन का, उस दिन की जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा हो गया, कम अज कम एक अदना दर्जा शुक्र का बोलो। सुबह से कह दिया कि अल्लाह जो कुछ मिलेगी वो आपकी तरफ से होगी, तनहा किसी और की तरफ से नहीं। और اللهم ما اصبح بي من نعمه منك او من احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، یہ کہہ لو۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب تک الفاظ نہ ہو تو یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ لو یا اللہ آج کے دن جو بھی نعمتیں ملیں گی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، لہذا آپ ہی کا شکر ہے، آپ ہی کا میں اس پر سب پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حدیث میں فرمایا کہ اس دن کا شکر ادا ہوگی۔ شام ہوئی تو فرمایا شام کو پھر کہہ لو، شام کے وقت اللهم انسا بی من نعمت فمنک او من احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ تو رات کو جو ہوں گی صبح تک ان کا شکر ادا ہوگا۔ یہ ایک آسان طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تاکہ دن بھر کی نعمتوں کے اوپر شکر کا ایک راستہ نکل آئے بندوں کے لیے۔ تو یہ اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے، اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور ایک عجیب حدیث آتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے قسم کے صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور ہر ایک صحابی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ قسم کا تعلق تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا تعلق تھا جیسے کہ لاڈلے صحابی ہوتے ہیں، ویسے صحابی ہیں۔ تو ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ انی احبک فقل، یعنی فرمایا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اندر لگے کیا مقام ہوگا اس شخص کا جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہو، انی احبک میں تم سے محبت کرتا ہوں، فقل اللهم انی استعینک علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللهم انی است
तईन का आला शुक्र का व जिक्र का बहुत इबादत है। क्या दुआ क्या करो कि अल्लाह मैं आप ही से मदद मांगता हूं। काहे की मदद मांगता हूं? इस बात की कि मैं आपका शुक्र सही अदा करूं, व जिक्र का और आपका कसरत से जिक्र करूं और आपकी इबादत अच्छी तरह अंजाम दूं। ये दुआ क्या करो? पहले ये फरमा दिया, मैं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। इन्नी अहब्बुका फकुल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तईनुका अला शुक्रिका व ज़िक्रिका व हुस्नि इबादती। ऐ अल्लाह मैं आपकी मदद मांगता हूं। यानी क्या माना हुआ कि हकीकत तो यह है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, हक के शुक्र अदा हो नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह ही से मदद मांगे कि या अल्लाह मैं आपसे मदद मांगता हूं कि मैं मुझे शुक्र की तौफीक हो जाए और आपके जिक्र की तौफीक हो जाए और आपकी इबादत अच्छी तरह अंजाम देने की तौफीक हो जाए। और फिर ये ऐसी लजीज हदीस थी कि जब सहाबी ने ताबी को सुनाई अपने किसी शागिर्द को, तो यही कहकर सुनाई अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बु, वो यानी अपने शागिर्द का नाम लेकर कहा कि या फलां इन्नी अहिब्बु का फकुल, अपने शागिर्द से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि ये कहो। फिर उन शागिर्द ने जब अपने शागिर्द को सुनाई तो फिर यही कहा इन्नी अहिब्बु का फकुल, उन्होंने दूसरे को सुनाई तो यही कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बु का फकुल। यहां तक के ये सिलसिला तकरीबन 6-7 पुश्तों तक ही चला, 6-7-8 पुश्तों तक। एक मशहूर मुहद्दिस है इमाम इब्नु अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह, तो उन तक ये इसी तरह तसलसल के साथ हदीस चली है। यानी हर उस्ताद जब अपने शागिर्द को सुनाता तो ये कहता अल्लाहुम्मा के या फलां इन्नी अहिब्बुका फकुल। इसीलिए इसको कहते हैं कि यह हदीसुल मुसलसल बिल महब्बा कहलाती है, ये मोहब्बत के साथ तसलसल है इसका। कि हर उस्ताद अपने शागिर्द को सुनाते वक्त ये कहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं लिहाजा ये कहो। इस तसलसल के साथ यह हदीस इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची है। अब क्योंकि उसके बाद इब्न अबी दुनिया ने किताब लिखी छाप दी तो फिर वो तसलसल शायद खत्म हो गया, इस वास्ते बाकी नहीं रहा, लेकिन उम्मत ने इसकी इस तरह हिफाजत की इस जुमले। अब जरा गौर करो कि वैसे तो शुक्र अदा करने में कौन सी किसी की मदद की जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र तो कौन सा उसमें मेहनत लगती है या किसी की मदद की जरूरत होती है? लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तलकीन फरमाई कि अल्लाह ताला से मांगो कि या अल्लाह मुझे अपने जिक्र और शिक्र की तौफीक अदा फरमा। क्योंकि मालूम है कि अगर ये है तो आसान काम शुक्र अदा करना, कोई मुश्किल नहीं है, जबान से भी कर सकता है, दिल से भी कर सकता है, लेकिन बंदा गाफिल इतना है कि जरा सा काम में लगेगा तो दुनिया के काम में लगेगा भूल जाएगा। नेमतें इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह ताला की के इनामात में जिंदगी गुजार रहा है, जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन गफलत की हालत में गुजार रहा है, गफलत में मुबतला है, भूल जाएगा। इस वास्ते अल्लाह ही से मांगना चाहिए तौफीक कि अल्लाह मैं आपसे मदद मांगता हूं, तौफीक मांगता हूं कि मुझे सही तरीके से शुक्र अदा करने का मौका मिल जाए। अल्लाह। और एक पैगंबर गालिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मनकूल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की कि अल्लाह आपने हमें अपना शुक्र अदा करने की हुक्म भी दिया है और हमें शुक्र अदा करना भी चाहिए आपका, लेकिन शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं हम आपकी नेमतों का? क्यों? इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसलिए कि जब हम शुक्र अदा करेंगे तो ये शुक्र भी तो आप ही के तौफीक से होगा, शुक्र भी तो आप ही के तौफीक से होगा। अगर जबान से अदा कर रहे हैं तो जबान में हरकत भी तो आपने दी, बोलना भी की तो बोलने की कुदरत भी तो आपने अता फरमाई,
लिहाजा शुक्र अदा करेंगे तो शुक्र अदा करना भी एक नेमत है, उस पर फिर शुक्र वाजिब है। उसका शुक्र अदा करेंगे तो फिर एक नेमत हो गई, फिर शुक्र अदा करेंगे। ये तो तसलसल है। और इस तरह हम आपका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं जबकि शुक्र बताते खुद आपकी एक नेमत है, तो इस सूरत में हम शुक्र का हक कैसे अदा कर सकते हैं? अल्लाह ताला से ये अल्प किया। तो जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज तुमने शुक्र का हक अदा कर दिया, आज तुमने शुक्र का अदा कर दिया। यह बंदा जितना कर सकता है वो तुमने कर दिया कि अपनी आजजी का एतराज कर लिया कि अल्लाह तेरी नेमत का हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। तो यह जुमला जो तुमने कह दिया तो इससे मेरा शुक्र अदा हो गया, आज तुमने शुक्र का अदा हक अदा कर। तो भाई सारी बात ध्यान की है, तवज्जो की है, गफलत से निकलने की है। जब अल्लाह तबारक व तआला ये अपनी रहमत से ये तौफीक अता फरमा देते हैं तो ध्यान जाने लगता है, एक एक चीज के ऊपर ध्यान जाता है। हजरत वाला की एक बात सुनाकर खत्म करता हूँ। हमारे हजरत वाला आरिफ सल्लल्लाहु तआला से रहूं, एक मरतबा खाने पर किसी के यहाँ खाने की दावत थी तो वहां तशरीफ फरमा थे। हजरत ने फरमाया कि देखो जरा तसव्वुर करो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की क्या क्या नेमतें हमें मुयस्सर है। पहली बात तो ये कि खाना लजीज है, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। खाना होता, खाना होना एक नेमत और खाने का लजीज होना ये दूसरी नेमत है। तो एक नेमत खाना है, खाना ना होता फकर फाके का आलम होता तो क्या गुजरती अल्लाह ताला ने खाया। अगर फाका हो तो उसमें कैसा भी खाना मिल जाए, मजेदार हो या ना हो, वही एक नेमत मालूम होती। तो एक तो खाना होना नेमत, फिर खाना भी लजीज ये दूसरी नेमत। फिर फरमाया कि अगर खाना भी होता लजीज भी होता लेकिन कोई भूख ना होती, दिल नहीं चाह रहा खाना खाना, पेट खराब, तो खाना है मगर खाने की रगबत ही खत्म हो गई या परहेज है जिसकी वजह से खा नहीं सकते, तो अल्लाह ताला ने खाने की इस्तेआज़ा भी अता फरमाई, ये तीसरी नेमत। फिर फरमाया कि अगर सेहत भी ठीक होती, पेट भी सही होता, भूख भी सही होती, खाना भी अच्छा लजीज भी है, लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर मिल गई जो तकलीफ देह है, सदमे वाली है, तो उस सदमे वाली और तकलीफ देह खबर के नतीजे में सारा खाना अचानक हो जाता, खाने की का मौका ही ना होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह आफियत है चौथी नेमत। फिर खाना होता लजीज भी होता और भूख भी होती, सेहत भी ठीक होती, खबर भी आराम, माहौल भी अच्छा, लेकिन खिलाने वाला बेइज्जती से खिलाए, बेइज्जती से खिला रहा है, इज्जत कोई नहीं, जलीलत के साथ खिला रहा है, तजलील के साथ खिला रहा है, तो सारे खाने का मजा ही अकारत हो गया। ऐसा ऐतायर लाहूती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता ही, तो अगर जलीलत से खिलाए कोई तो क्या उसका कोई रुस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाने वाला इज्जत से खिला रहा है, मोहब्बत से खिला रहा है। फिर फरमाया कि अगर तन्हाई में बैठ के खा रहे होते लजीज जो है खाना सब गुजर, तन्हाई की के अंदर वो लुत्फ नहीं जो अपने मोहब्बत करने वालों के साथ बैठकर खाने में लुत्फ है, ये एक मुस्तकिल नेमत। तो एक ही खाने में अगर गौर करो तो कितनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इकट्ठी हैं, और उसके नतीजे में हर नेमत पर शुक्र वाजिब। और चूंकि हजरत ने यह बात फरमा दी कि ये नेमतें इतनी सारी हैं, तो जैसे हदीस में आता है कि अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की नेमतों का सिर्फ जिक्र कर दे, ये भी अल्लाह का फजल है, ये भी अल्लाह का फजल है, ये भी अल्लाह का शुक्र है, वो भी शुक्र गुजारों में लिखा जाता है, वो भी शुक्र के हक के दर्जे में लिखा जाता है। तो बुजुर्गों का मैंने जो अर्ज किया था कि बुजुर्गों की सोहबत से यह होता है कि आदमी की सोच का रुख मुड़ जाता है, सोच का रुख वो इस तरफ कर देते हैं,
तो उससे गफलतों के पर्दे हटते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा ले। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. اللہم انا نستعینک علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. اللہم ربنا اجعلنا لک ذکارین لک شکارین لک رحابین لک متواعین الیک مخبتین اللہین منیبین. یا ارحم الراحمین یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے ہماری گھر والے، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے فرمائش کی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ان سب کے دل مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنے رحمت سے ان سب کے دل مرادوں کو پورا فرما دے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا هما الا فرجتہ، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.